दोस्तों स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वीडियो आपके लिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। चार सवाल जो बार बार मेरे से पूछे जाते हैं पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके और भी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे टोटली 14 ग्रुप हैं सभी के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं UPCHO 5500 वैकेंसी के लिए, BCHO 4000 वैकेंसी के रिजल्ट के लिए कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, राजस्थान CHO कब तक एग्ज़ाम करवाएगा और BCHO की कोई नई भर्ती कब तक आने वाली है। तो इन चारों क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए जवाब लेके आया हूँ। दोस्तों हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो दोस्तों वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाते हैं, दोस्तों लाइक के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपका मन करे अंत तक पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि व्यू के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। दोस्तों इतने सारे टॉपिक है, 1, 2, 3, 4, इनका अलग अलग वीडियो भी हम लोग रिलीज़ कर सकते थे ताकि आप लोग अलग अलग टाइप से उसको व्यू करें और हम लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें चाहिए सिर्फ आप लोगों का प्यार, इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है सिर्फ लाइक के लिए। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो पे। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। UPCHO के लिए एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, BCHO के लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा नर्सिंग ग्रुप का ऑफिशियल है उसके लिए भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। तीनों ग्रुप का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों अब मैं वीडियो की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों सबसे बड़ा है, UPCHO 5500 रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों 5500 रिजल्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की रिजल्ट की। ये रिजल्ट आप लोगों का दिवाली के तुरंत बाद ही आना था, दिवाली तक ही आना था, लेकिन दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये लेट हो रहा है, कंटिन्यू लेट होता जा रहा है। आप लोग जिस प्रकार से हमको सूचना आ रही है, जहाँ से हम लोगों को सूचना आ रही है उस सूचना के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों ये नवंबर माह के अंदर, इसी माह के अंदर ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा। दोस्तों ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा आपका, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, नवंबर माह में ये रिजल्ट घोषित होने वाला है 100%। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, BCHO रिजल्ट कब तक जारी होगा। दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग, सबसे पहले BCHO के जितने भी अपडेट हैं सारे मैंने दिए हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है इस वीडियो के अंदर और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर बिलीव भी किया है और दोस्तों आज तक हमारी अपडेट एकदम एग्जैक्ट रही है। अब मैंने BCHO की कट ऑफ की वीडियो भी बना रखी है, आप हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी वीडियो बना रखी है कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की जाएगी, कौन सा CCS वैलिड रहेगा, हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा BCHO से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि CHO रिजल्ट कब तक आएगा, BCHO 4050 का, तो दोस्तों रिजल्ट की बात अगर हम करें तो ये नवंबर पूरा माह है आपका DV में चला जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक, दिसंबर एंड या फिर जनवरी, आपका जो जनवरी है उसका फर्स्ट वीक तक आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, बिहार में CHO की बहुत रिक्तियाँ हैं और जल्दी जल्दी इसको पूरी की जाएगी, इसीलिए हम लोगों को आपको बता रहे हैं जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों को ज्वाइनिंग फाइनली दे दी जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आप पीछे वाले वीडियो में जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है BCHO की। अब आते हैं राजस्थान CHO के बारे में, राजस्थान CHO एग्ज़ाम कब तक करवा देगा। दोस्तों राजस्थान CHO एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड डेट दे रखा है फरवरी के अंदर दे रखा है, दोस्तों हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज थोड़ी लेस लग रही है कि ये लोग आपका एग्ज़ाम फरवरी तक करवा देंगे। हो सकता है दोस्तों ये मार्च अप्रैल तक का थोड़ा डिफरेंस आ जाए, अप्रैल तक आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जरूर हो जाएगा। रिजल्ट और ज्वाइनिंग का अंदाज़ा राजस्थान के अंदर लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वैकेंसीज़ को काफ़ी लेवल पे गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद रिजल्ट से पहले एक बार कोर्ट में वैकेंसी जाती है, कोर्ट से जब आप लोगों को फाइनल याचिका मिलती है उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट घोषित होता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद फिर भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग बहुत लंबी प्रोसेस राजस्थान CHO की रहती है। तो दोस्तों डीमोटिवेट नहीं होना है, अभी आप लोगों को फरवरी एक्सपेक्टेड डेट रखनी है एग्ज़ाम की, पर ये आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक ज़रूर
करवा देगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता भी लगने वाली है। विद इन 6 to 7 months के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। तो दोस्तों जल्दी ही उम्मीद है कि वैकेंसी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करें बिहार CHO नई भर्ती कब तक घोषित हो रही है, तो दोस्तों नई भर्ती आप लोगों की है या तो जनवरी लास्ट तक या फिर फरवरी के अंदर। तो 100% नहीं 1000% आप लोगों की वैकेंसी लमसम हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा हो और थोड़ी कम हो। 2500 पोस्ट के लिए वैकेंसी आप लोगों की आएगी, जिसमें CCS नहीं मांगेगा। इसके अंदर आप लोगों से GNM BSc सबको अलाउ करेगा और इसके अलावा सारा रजिस्ट्रेशन सभी लोगों का हर एक स्टेट का अलाउ करेगा और आप लोगों को CCS करवाया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है 4050 वैकेंसी में तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2 से 3 महीने का वेट कीजिए। आप लोगों के लिए एग्जाम बेस्ड के ऊपर 2500 पोस्ट पे एक नई वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स मैंने आपको दी और ये अपडेट्स आपको रियल में अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक बनता है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए हर एक ग्रुप के अंदर और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।